हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रेन रूट मेकर चैनल। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे वीडियो है। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये हमारी है MSTS पे और ये एक्टिविटी है 12565 बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और देखिए दोस्तों इसी के भाई के साथ इसका क्रॉसिंग चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए वेब 7 के साथ LHB रह के दोस्तों क्रॉसिंग चल रहा है। और दोस्तों आज की जो एक्टिविटी है इसका जो सीन है वो थोड़ा अलग टाइप का है। असल में ये जो ट्रेन है ये वाया बादशाह नगर ऐशबाग होते हुए निकलती थी कानपुर के लिए, लेकिन जो बादशाह नगर ऐशबाग है वो सिंगल लाइन है, तो उस पर अभी डबलिंग का काम चल रहा है जिसके वजह से इसका जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है लखनऊ चारबाग होते हुए। तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन है अभी मानक नगर के आउटर पे है और एक्टिविटी का तो मैंने बता ही दिया। ट्रेन नंबर है 12565 बिहार संपर्क क्रांति जो कि चलती है दरभंगा से नई दिल्ली की ओर। अभी जो हम स्टेशन पे हमारा रेड सिग्नल शो हो रहा है और ये स्टेशन का नाम है दोस्तों मानक नगर रेलवे स्टेशन। यहीं से एक बाईपास लाइन है बादशाह नगर ऐशबाग होते हुए जिसको छोटी लाइन भी कहते हैं दोस्तों, तो वो अभी डबल लाइन का काम उस पर चल रहा है जिसकी वजह से ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है। और फिलहाल अभी हमें यहाँ पे रेड सिग्नल मिला है, तो चलिए हम ब्रेक लगा देते हैं और देखते हैं हमें यहाँ सिग्नल क्यों मिला है। और दोस्तों ये एक्टिविटी जो है ये है मानक नगर के आउटर से कानपुर सेंट्रल तक की है। और दोस्तों मैं रूट की जानकारी दे दूँ, ये रूट है हिंदुस्तान रेलवे रूट और ये रूट के जो क्रिएटर हैं वो हैं, ये मुदित भाई का रूट है दोस्तों और अभिषेक शर्मा जो कि इनके पार्टनर हैं इन्होंने मिलकर ये रूट बनाया है। एक्चुअली में ये जो रूट है ये हिंदुस्तान रेलवे मिनी V2 है, इसका फुल वर्जन दोस्तों आने वाला है। अगर आपको ये रूट बाय करना है तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका नंबर दे दूंगा। और सामने से देखिए दोस्तों एक 12533 पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ टू CSMT मतलब मुंबई के लिए एक ट्रेन है जो हमें ओवरटेक कर रही है। ये देखिए दोस्तों तो यही रीज़न था दोस्तों जिसके वजह से हमें मानक नगर के आउटर पे मानक नगर रेलवे स्टेशन पे रोका गया, क्योंकि एक्चुअली में हमारी जो ट्रेन है वो आधा घंटा लेट चल रही है। और ये जो ट्रेन है ये लखनऊ से CSMT के लिए चलती है 12533 पुष्पक सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो दोस्तों अभी अभी इसका लखनऊ जंक्शन से डिपार्चर हुआ है। तो जैसा कि इंडियन रेलवेज़ का रूल है कि जो ट्रेन राइट टाइम है उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, हालांकि सुपरफास्ट तो हमारी भी ट्रेन है दोस्तों, लेकिन हमारी जो ट्रेन है वो लेट है, डिले चल रही है अभी 30 मिनट्स और इसीलिए हमें यहाँ रोक कर उसको पास दिया गया है। और सामने किसी लोकोमोटिव का लाइट दिख रहा है दोस्तों, शायद कोई ट्रेन आ रही है लखनऊ जंक्शन की ओर। थोड़ा पास आएगा तो दोस्तों आपको ट्रेन का नाम और नंबर शो हो जाएगा। फ़िलहाल अभी अभी जो पुष्पक सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो हमें ओवरटेक करके गई है, तो अभी हमें सिग्नल जब तक नहीं मिलता हमें वेट करना होगा। और दोस्तों रूट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा इन्होंने रूट बनाया है दोस्तों। और ये एक्टिविटी जो है दोस्तों अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आपके पास रूट है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। और फिलहाल हमारा जो सिग्नल है वो हमें मिल चुका है येलो, तो यहाँ से हम डिपार्चर कर रहे हैं। और साथ ही साथ सामने से दोस्तों 05084 उत्सर्ग स्पेशल एक्सप्रेस की क्रॉसिंग चल रही है दोस्तों, जिसका लोकोमोटिव है WDP4। दोस्तों ये लोकोमोटिव WDP4 ही है सिंगल कैब वाला,
और उसके साथ कोई ICF ब्रेक है तो उसको लगा हुआ है। और ये क्रॉसिंग दोस्तों आप देखिए, जब तक के लिए मैं दोस्तों, जैसा कि आपने क्रॉसिंग देखा, काफ़ी अच्छा क्रॉसिंग हुआ और मैं वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करूंगा दोस्तों, ताकि आपको जितना भी इस एक्ट में ट्रैफिक है वो अच्छे से दिख जाए। फिलहाल मैं एक तो वीडियो में तो पूरा एक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 9 तक इस वीडियो को कवर करूँ। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमें येलो सिग्नल मिला था, लेकिन आगे हमारा रेड सिग्नल है, तो यहाँ पे हमको वेट करना होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे आगे जो है पुष्पक सुपर फास्ट एक्सप्रेस गई है, तो अभी हमें क्लियरेंस नहीं मिल रहा ठीक से। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरे वीडियो में थोड़ा सा लैग हो रहा है, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं प्ले कर रहा था तभी तो लैग नहीं है, लेकिन ये बैकग्राउंड में जो रिकॉर्डिंग है उसमें लैग क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो दोस्तों तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। और दोस्तों, फ्यूचर में आगे भी मैं MSTS के लिए एक्टिविटी लाता रहूँगा, तो अगर आप नए हैं तो जल्दी से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और अभी तक जो हमारा सिग्नल है वो रेड है दोस्तों, और ट्रैफिक आपको इस एक्ट में काफ़ी मिलेगी दोस्तों, ट्रैफिक की कोई कमी नहीं है। और ये आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और फिर से मैं एक बार मेंशन करना चाहता हूँ, जिनके पास हिंदुस्तान रेलवे V2 रूट है वही एक्ट को डाउनलोड करें, क्योंकि ये एक्टिविटी ओनली उसी रूट में वर्क करेगी। और फ्यूचर में मैं और भी फ्रीवे रूटों के लिए एक्टिविटी लाता रहूँगा। और ये देखिए, हमारा जो सिग्नल है वो येलो हो चुका है, तो यहाँ से हम डिपार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्यूचर में और भी अच्छी एक्टिविटी हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। जो हमारा दोस्तों यहाँ पे स्पीड लिमिट है वो 80 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन फिलहाल हमारा जो लाइन है अभी क्लियर नहीं है, तो हम स्पीड पे नहीं जा सकते। फिलहाल अभी हमें सिग्नल को फॉलो करते हुए अपनी स्पीड को मेंटेन रखना होगा, क्योंकि आगे हमारा येलो, उसके बाद वापस रेड सिग्नल शो हो रहा है, तभी हम अपना जो लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर वो लिमिट तक नहीं जाएंगे, जब तक कि आगे के सिग्नल हमें ग्रीन नहीं मिलते। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, रूट काफ़ी अच्छा है, इनका V2 फुल वर्जन आने वाला है संडे को, और जिनको भी ये रूट बाय करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर दे दूँगा, जो रूट के ऑनर है उनसे कॉन्टैक्ट करें और ये रूट बाय करें।